एक तरफ है मारुति सुजुकी वैगन आर, दूसरी तरफ है मारुति सुजुकी इग्निस। एक एरिना की प्रोडक्ट है, एक नेक्सा की प्रोडक्ट है। आज इन दोनों गाड़ियों को हर एक एस्पेक्ट से कंपेयर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। किस गाड़ी का स्पेस एंड कम्फर्ट अच्छा है, किसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, किसका बूट स्पेस ज्यादा है, कौन ज्यादा सेफ गाड़ी है, किसमें क्या फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, आज इस वीडियो का पूरा देख लीजिए। इन दोनों गाड़ियों के बीच में अगर आप कंफ्यूज हैं तो वो कंफ्यूजन आज क्लियर होने वाला है। तो कंपैरिजन शुरू करते हैं विद द नंबर वन एस्पेक्ट, जो कि है डायमेंशन। अब डायमेंशन के मामले में इग्निस वैगनआर से 45 mm लंबी है, 70 mm चौड़ी है, लेकिन हाइट में वैगनआर 80 mm ज्यादा है इग्निस से। दोनों का व्हील बेस सेम है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपको अच्छा खासा स्पेस एंड कम्फर्ट ऑफर करता है। अब यहाँ पर दोनों गाड़ियों का जो कम्फर्ट लेवल है वो हालांकि सेम है, लेकिन वैगनआर में अगर आप फ्रंट सीट में बैठते हैं तो वहां पर एक थोड़ा एयरी फील होता है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी ऊंची भी है। एट द सेम टाइम अगर आप रियर सीट में जाते हैं तो यहां पर इग्निस में 3 लोग बैठना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि 70 mm ये गाड़ी चौड़ी भी है वैगनआर से। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों में से किसका लुक सबसे बेहतर है। रास्ते से जब गाड़ी निकलेगी, कौन सा गाड़ी ज्यादा अच्छी दिखने में लगने वाली है। हालांकि लुक्स एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर इग्निस आगे निकल जाती है। इग्निस मोर स्टाइलिश दिखता है वैगनआर से। वैगनआर में आपको टिपिकल टॉल बॉय डिजाइन, बॉक्सी डिजाइन मिलने वाला है। जो हेड टर्नर लुक है वो आपको इग्निस में ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करता है, किसका इंजन बेहतरीन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दोनों में जो इंजन लगाए गए हैं वो लगभग सेम है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन लगाया गया है। दोनों में जो पावर और टॉर्क फिगर है वो भी सेम है। इनफैक्ट दोनों में जो माइलेज निकलता है वो भी सेम है। 16 से 20 KMPL का माइलेज दोनों में ही आप निकाल सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में भी दोनों गाड़ियां लगभग सेम है। दोनों का जो वेट है वो भी लगभग सेम ही है, तो इस वजह से परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट में, जहां पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात होती है। यहां पर वैगनआर 10 mm ग्राउंड क्लियरेंसेस का कम है इग्निस से। इग्निस का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है, वहीं पर वैगनआर का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, लेकिन इंडियन रोड्स के हिसाब से दोनों ही सफिशिएंट है। अब झांकते हैं थोड़ा इंटीरियर में, बताते हैं कि कौन सी गाड़ी का इंटीरियर ज्यादा प्लश, ज्यादा अच्छा फील देता है। तो यहाँ पर इग्निस थोड़ा प्रीमियम लुक जरूर प्रोवाइड करता है। जो प्लास्टिक क्वालिटी अंदर यूज हुआ है वो अच्छे ग्रेड के लगते हैं। वैगनआर का जो इंटीरियर है वो भी अच्छा है, प्लास्टिक क्वालिटी उतना खास नहीं है इग्निस के मुकाबले। इग्निस में आपको थोड़ा वो रिच फीलिंग जरूर आएगी। अब बढ़ते हैं स्पेस की एक नए एस्पेक्ट में, जो कि है बूट स्पेस। बूट स्पेस में वैगनआर आगे निकलती हुई नजर आ रही है क्लियरली। वैगनआर में आपको 341 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि मैसिव है। वहीं पर इग्निस में आपको 260 लीटर का ही बूट स्पेस मिलता है, जो 81 लीटर कम है वैगनआर से। बात करते हैं दोनों के व्हील साइज और टायर किसका बेहतर है। यहाँ पर इग्निस में आपको थोड़ा चौड़ा और थोड़ा बड़ा टायर मिलता है, 175/65 R 15 इंच के टायर मिलते हैं। वहीं पर वैगनआर में आपको 165/70 के 14 इंच के व्हील्स के साथ में आता है। व्हील्स वैगनआर में थोड़े छोटे हैं और टॉल बॉय डिजाइन है, इस वजह से थोड़ा बहुत बॉडी रोल तो महसूस जरूर होता है। अब बात करते हैं वो एस्पेक्ट जहां पर मारुति थोड़ा सा कमजोर है, वो है सेफ्टी। सेफ्टी के मामले में ग्लोबल एनकैप ने इग्निस को 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग दिया है एडल्ट सेफ्टी रेटिंग में, वहीं पर वैगनआर को मात्र 2-स्टार मिला है। सेफ्टी में क्लियरली इग्निस आगे है, लेकिन अगर आप सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो दोनों में ही 2 एयरबैग, ABS+EBD ब्रेक असिस्ट मिलता है। अब बात करते हैं फीचर्स की, लेकिन आपको पकाने नहीं वाले हैं, वो ही फीचर्स हम आपको बताएंगे जो इग्निस में मिलता है पर वैगनआर में मिसिंग है। वो फीचर्स है कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक AC, रिवर्स पार्किंग कैमरा, बटन स्टार्ट, 8-way adjustable seats, वैगनआर में आपको 4-way adjustable ही मिल पाता है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, गियर इंडिकेटर, 6 स्पीकर की म्यूजिक सिस्टम। अब बात करते हैं वो फीचर्स जो वैगनआर में है लेकिन इग्निस में मिसिंग है, लेकिन दोस्त ऐसा कोई फीचर्स है ही नहीं। फीचर्स लिस्ट में थोड़ा छोटा मोटा चेंज के अलावा वैगनआर में ऐसा कोई बहुत बढ़िया फीचर है ही नहीं जो इग्निस को पीछे कर सके। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी का राइड क्वालिटी बेहतर है। तो यहाँ पर इग्निस इज फार बेटर देन वैगनआर। वैगनआर एक टॉल बॉय डिजाइन के साथ में आती है, व्हील्स भी छोटे हैं, इस वजह से हाई स्पीड में स्टेबिलिटी गाड़ी का एकदम लूज हो जाता है। अगर आप कॉर्नरिंग करते हैं या फिर हाई स्पीड में लेन चेंज कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। वैगनआर में बॉडी रोल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इग्निस में ऐसा कोई बात है ही नहीं। स्टिप सस्पेंशन होने की वजह से गाड़ी स्टेबल रहती है हाईवे पे। अगर आप लेन चेंज करते हैं या फिर कॉर्नरिंग करते हैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको महसूस होगा। अब बात करते हैं उस एस्पेक्ट की जो हर बायर्स के दिमाग में रहता है, वो है रीसेल। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर क्लियरली वैगनआर आगे निकल जाती है। अगर आप यूज्ड कार मार्केट में जाएंगे तो वैगनआर आपको दिखेगा ही दिखेगा, और वैगनआर का जो प्राइस लगाया जाता है वो भी अच्छा खासा है। आज से 8-10 साल पुरानी गाड़ी भी यूज्ड कार में 2-2.5 लाख
लाख में सेल होती है। लेकिन इग्निस का सेल और रीसेल दोनों ही वैगन आर से बहुत ही कम है। इग्निस का सेल्स नंबर को अगर आप देखें तो वो भी कम है, और रीसेल में अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो वो भी कम है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में, कौन सा गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इग्निस का जो बेस वेरिएंट सिग्मा है वो तो 1.2 लीटर इंजन के साथ में आता है, लेकिन वैगन आर का जो बेस वेरिएंट एलेक्साई है वो 1.0 लीटर इंजन के साथ में आता है। 1.2 लीटर इंजन के साथ में बेस वेरिएंट वैगन आर का शुरू होता है VXI से। तो वैगन आर VXI को अगर आप इग्निस सिग्मा से कंपेयर करें तो वैगन आर 62,000 रुपए ज्यादा महंगी मिलेगी ऑन रोड। लेकिन अगर आप वैगन आर के बेस मॉडल एलेक्साई 1.0 से कंपेयर करें सिग्मा को, तो यहाँ पर 21,000 रुपए इग्निस ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप वैगन आर एलेक्साई लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा देकर इग्निस का बेस वेरिएंट सिग्मा ले सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की, इग्निस अल्फा और वैगन आर ZXI मैनुअल। इग्निस अल्फा यहाँ पर 114,000 रुपए ज्यादा महंगा है वैगन आर के टॉप एंड मॉडल मैनुअल से। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने पैसे को कहाँ और किस वेरिएंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम इन दोनों गाड़ियों को हर एक एस्पेक्ट से कंपेयर कर चुके हैं, अब बात करते हैं वर्डिक्ट की, कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है और किस वजह से। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिनका रीसेल वैल्यू जबरदस्त हो, थोड़ा टॉल बॉय डिजाइन हो, बहुत लंबे पैसेंजर्स अगर आपके घर में हैं, तो इस सेगमेंट में वैगन आर से अच्छा ऑप्शन आपके पास में नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा गाड़ी चाहते हैं जो आपको प्रीमियमनेस ऑफर करे, स्टाइलिश लुक दे, फीचर दे, एक रिच एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, तो इग्निस से बेहतर ऑप्शन इस प्राइस सेगमेंट में आपके पास में क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के कंपैरिजन हर रोज आप तक पहुंचाते हैं।